आज हम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग नॉलेज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपने ही दोस्तों कमेंट किया था कि OVCM के बारे में फुल डिटेल के बारे में वीडियो बनाएं, तो आज इसी टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। OVCM की परमाणु संख्या 76 है और एक परमाणु के नाभिक के समान संख्या में प्रोटोन है। ये लेप्टिनम धातु का समय एक चमकदार अत्यंत कठोर सदस्य है। स्टीवन्स टेनेंट और विलियम हाइड वोलास्टन ने 1803 में OVCM की खोज की थी। OVCM की खोज प्लेटिनम की खोज से जुड़ी हुई है क्योंकि OVCM एक जा रेजिया में प्लेटिनम के गुलने के बाद बचा हुआ काला अवशेष है। 18वीं शताब्दी के मध्य वैज्ञानिकों ने काले अवशेषों को ग्राफाइट माना, लेकिन यह एक नया तत्व साबित हुआ। टेनेंट ने OVCM को अवशेषों को इरिडियम की भी खोज की और 21 जून 1804 में ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी की खोज की सूचना दी। OVCM सभी स्थिर तत्वों में सबसे दुर्लभ है। यह पृथ्वी की पपड़ी में केवल 0.5 भागों प्रति अरब में पाया जाता है। OVCM स्वाभाविक रूप से या तो एक मुक्त तत्व के रूप में या स्वाभाविक रूप में होने वाली मिश्र धातु में होता है। प्लेटिनियम धातु समूह के अन्य सदस्य की तरह OVCM में भी निकाल और तांबे दोनों के साथ स्वाभाविक रूप से मिश्रित पाया जाता है। OVCM कुछ स्वाभाविक रूप से होने वाली बुगेवेनिक संरचनाओं में पाया जाता है जिससे प्रभाव क्रिएटर भी शामिल है। OVCM आसानी से ऑस्ट्रियम ट्रेकोसाइट बनाता है जो सांस लेने त्वचा के संपर्क में अंतर्ग्रहण के माध्यम से अत्यधिक विषैला होता है। अपने पाउडर के रूप में OVCM व्यावसायिक का रूप में लगभग 1300 US प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाता है। कई अन्य तत्वों की तरह OVCM का निष्कर्ष का मुख्य स्रोत निकल और तांबे की शोधन प्रक्रिया के उत्पादों के रूप में है। इस प्रक्रिया में बचे हुए उत्पादों में एसिड में घोलना फिर अवशोषण का उपयोग करके अन्य प्लेटिनम धातुओं की OVCM निकाला शामिल है। यह प्रक्रिया बहुत ही हद तक उसी के समान है जिसका उपयोग वैज्ञानिकों ने मूल रूप से 29वीं शताब्दी के शुरुआत में OVCM की खोज के करते हुए OVCM का उपयोग शायद ही आप कभी अपने शुद्ध रूप से किया होगा यह देखते हुए है कि अत्यधिक विषैला और अस्थिर हो जाता है। इसे व्यावसायिक उपयोग के लिए अन्य धातुओं के लिए साथ मिश्रित किया जाता है। OVCM और अन्य धातुओं के साथ मिश्रण का उपयोग उन उत्पादों के लिए किया जाता है जिन्हें पहने और जंग के लिए उच्च सहनशीलता की आवश्यकता होती है। OVCM ने पिछले कुछ वर्षों में लाइट बल्ब प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और गाइज OVCM पृथ्वी पर पाए जाने वाली विश्व की सबसे बड़ी धातु है। और गाइज आपको यह जानकर वीडियो कैसी लगी कमेंट के जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।